कैसे हो? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, इसीलिए मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पिछला वाला, इसलिए मैंने सेम डे रिकॉर्ड किया है, बट आपको ये दो पार्ट्स में मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर वन। और दूसरी चीज़ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी आपको नीचे दिख रही होगी। एंड मेरी आईडी है, मैं बता देती हूँ, एस प्रीति कुमारी 807 आप जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। आपको अगर किसी भी ब्लाउजेस के डिज़ाइन चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसकी पिक्चर आपको डाल दूंगी। डीएम करो मुझे, आई विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम। आप जब मुझे मैसेज करोगे मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी आपको, कि इसमें से जो भी ब्लाउज पसंद आ रहा है आप उसका ये कर सकते हो। ओके सो सेम डे पे वीडियो शूट हुआ है, इसीलिए आप मुझे सेम अटायर में सेम ड्रेस में देख रहे हो, तो डोंट थिंक क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए उस वीडियो को रोक के मुझे सेकेंड पार्ट इसका बनाना पड़ा। सो चलते हैं अब वीडियो पे और देखते हैं इस ब्लाउज के कलेक्शन में, पार्ट टू ऑफ द ब्लाउज कलेक्शन में क्या क्या है। सो ये आता है मेरा फर्स्ट ब्लाउज इस वीडियो का। सो ये अगर आप देखोगे ना, ये फ्रंट से है एंड बैक में भी आपको मिलेगा सेम डिज़ाइन। और है ये बोटनेक, एज आई हैव सेड यू, पूरी तरीके से बोटनेक नहीं है, थोड़ी सी यू शेप मिल जाती है बट पहनने के बाद एग्जैक्ट बोटनेक का लुक देती है, सो इसलिए को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप इस तरीके से डलवाओ एंड इट विल लुक रियली गुड ऑन यू। और ये है फ्रंट बाजू जो कि शॉर्ट है, तो इतने ही, इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है, बट इसको पहनने के बाद ना आप क्या करो ना, इसको आपको इस तरीके से जब आप पहनते हो ना ब्लाउज़ तो थोड़ी सी पल्लू हम अगर लो करते हैं ना तो उस समय ये डिज़ाइंस बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से स्टिच करवाओ, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लाउज पे, ब्लाउज नंबर टू। तो ये जो ब्लाउज है ये भी ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा। तो ये है उस साड़ी का ब्लाउज जो कि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो डाली थी, अभी तक यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो डाली है, और ये साड़ी ली थी मैंने जतकी से, उसी पे का ये ब्लाउज है। तो ब्लाउज काफ़ी, साड़ी तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट का, बहुत सुंदर है, पहनने के बाद काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती भी है। बट मैं उसकी पिक्चर नहीं ले पाई हूँ, सो आई डोंट हैव अ पिक्चर ऑफ दैट, बट इसकी ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ। देखो उन लोगों ने ब्लाउज में भी काफ़ी वर्क दिया हुआ था। तो ये है फ्रंट का ब्लाउज। तो ये देखो ये है, एंड देन मैं हुक लगा नहीं पाई, और ये रहा। तो ये देखो, सो ये है फ्रंट का, एंड देन बैक में भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा सा वर्क दिया था। तो ये देखो बैक। और इसकी बाजू भी इतनी ही आएगी, ज़्यादा लंबी नहीं आएगी। सो ये भी पहनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक देता है, सो यू कैन गो फॉर इट। तो लगाओ इस तरीके से, अगर आपके पास ऐसे हैं तो आप उसको सिलवाओ। डेफिनेटली जो साड़ी की ब्लाउजेज आती है ना जिसमें पूरे वर्क होते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए कभी मिस मत किया करो कि आप उन साड़ी के ब्लाउजेज को नहीं सिलवा रहे हो, डेफिनेटली सिलवाओ, काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो है ये, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट ब्लाउज। देखो थोड़ी शाइन करी होगी ना क्योंकि इसमें पूरे में मिरर वर्क है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो ये है हमारा फ्रंट का। ये है फ्रंट का, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्क है तो इसमें डिजाइन डलवाने का कोई फायदा नहीं था। एंड दिस इज द बैक साइड, बैक साइड में पूरा, क्योंकि बैक साइड में ना इसमें क्योंकि पूरी मिरर्स थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती अगर मैं इसमें डिज़ाइन डलवाती तो इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि मैं इसमें डिज़ाइन ना डलवाऊँ। एंड क्योंकि काफ़ी छोटा सा इसका गला है, क्योंकि मुझे इसकी पूरी डिज़ाइन चाहिए थी,
पूरा कपड़ा चाहिए था, इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने इसकी गले बहुत ही छोटी डलवाई और पीछे से अच्छे से दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये ब्लाउज भी। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लाउज के पास। सो नेक्स्ट ब्लाउज थोड़ी सी डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है मैं उसमें बताती हूँ। तो ये देखो, तो ये है मेरी ग्रीन कलर, और आई थिंक तो बैक में दिखा रही हूँ, ग्रीन कलर एंड रेड कलर में। और इस पे ना ये मैंने, ये किसी साड़ी की ब्लाउज नहीं, ये किसी साड़ी की ब्लाउज नहीं है, इसे मैंने अलग से लिया था। ओके अलग से लिया था, तो इसके भी दोनों साइड से ये बोट नेक जाता है, बट ये काफ़ी अच्छा सा जाता है। ये देखो यहाँ तक आपका जाएगा, ये जब मैं पहनूंगी ना तो ये काफ़ी यहाँ तक जाएगा। ओके और बाजू हाफ है और इधर पे भी। इस ब्लाउज में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई हुक नहीं है। ओके और हुक ना होने के कारण ये काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। बट इसमें साइड जिप है, इधर देख सकते हो आप, मैंने इसको खोल के रखा है। ये देखो साइड जिप है, मैं इसको, ये देखो, ये तो ये साइड जिप है, इधर में एक ही साइड में है, दोनों साइड में नहीं है। ओके सो ये था फ्रंट का एंड दिस इज द बैक। अभी तक मुझे ऐसा कोई भी ये नहीं हुआ कि मैं इसको पहन सकूं, बट डेफिनेटली जिस दिन मैं पहनूंगी इंस्टाग्राम पे मैं सबसे पहले इसका पिक डालूंगी। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको इसमें है, आप अगर मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो जाओ, अगर आपको न्यू न्यू डिज़ाइन और चाहिए ब्लाउजेज के तो आप इंस्टाग्राम पे देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट एंड द लास्ट ब्लाउज इस कलेक्शन का, ये मैंने कहीं से स्टिच नहीं करवाया था, इसे मैंने ऑर्डर किया था। ओके तो ऑर्डर जब मैंने इसे किया था, दिस इज लाइक, ये अभी तक किसी में है, इसको मैंने नहीं निकाला। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है। सो आप देख रहे होगे मेरे कलेक्शन में ना काफ़ी सारे ब्लू कलर पे ये हैं, क्योंकि मैंने ब्लू काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ अपने साड़ियों में या फिर किसी भी चीज़ में, मोस्टली साड़ियों में ब्लू कलर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके तो ये ये लिया था मैंने मीशो से, काफ़ी अच्छे से मुझे मिल गया था। इसकी रेट आई थिंक सो 300 समथिंग थी, मैं पिक्चर लगा दूंगी आपको रेट का। अगर आपको इस चीज़ को चाहिए मैं इसका कोड पक्का डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ वहाँ से चेकआउट करो और वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये ब्लाउज जो थी वो मीशो से ली हुई थी, तो इसके पूरे बाजू में वर्क है, ये काफ़ी अच्छा सा है, अफोर्डेबल प्राइजेस है मीशो के, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा था। ये मत सोचना कि मैं मीशो के अगेन ये कर रही हूँ, मीशो से कुछ ये नहीं था। तो ये था फ्रंट का, ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा है, ये आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। ओके सो ये था फ्रंट का एंड दिस इज द बैक, ये था बैक का। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड देन इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर ही सकते हो मुझे, जैसे कि आप जानते हो। और अगर इसमें से किसी भी चीज़ की, मैं आज का जो भी मैंने पहना हुआ है मैं उसका लिंक कोड डाल दूँगी, क्योंकि मीशो से है, सो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड देन जो भी चीज़ों के पिक्स हैं मैं डाल दूँगी, पूरे वीडियो में आपको मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम जिसकी मैं कोड डाल सकूँगी, मीशो से मैंने जैसे कि एक ब्लाउज आई थिंक से लिया है, मैं उसका भी डाल दूँगी। सो टिल देन गाइस बी सेफ, ओके, क्योंकि कोरोना है एंड वी नो वी हैव टू बी सेफ एट होम। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बाय बाय एवरीवन एंड लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।